चलो Yeah.
Thank you.
Thank you.
Hare Krishna.
हम इंद्रभोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त हो जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार की इंद्र तृप्ति के साधनों से लगाए रखते हैं, जिसमें मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतः सर्वश्रेष्ठ वृत्ति वही है कि मन को बौद्धिक साहित्य की ओर मोड़ ले, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियां से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबसे कल्याण वाही वही है कि विषय में सोचना चाहिए। मौन अर्थात गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचते रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्र भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह से उसे अपने जीवन तथा भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आती है। तो इस श्लोक में मन की क्या तपस्या है उसके बारे बताएं, कैसे हम मन को संयम कर सकता है और मन संयम का उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है, इस श्लोक में इसके बारे टिप्पणी देते हैं। तो यहां पर कोई प्रकार सिस्टम बताए जो मन संयम का लक्षण क्या है, किसे किसे सिस्टम से मन संयम हो सकता है। इस श्लोक में बोलते हैं संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, जो भागवत में भी यही बात होते हैं और मौन संहिता में भी यही बात होते हैं। तो जिसको मन में सरलता है और जिसको मन में हर चीज में हर क्षण में संतुष्टता प्राप्त है, उसको जीवन में सुख और शांति का छाया होते है। और जिसको मन में चंचलता है अर्थात भौतिक जगत में कोई चीज में तृप्त तो नहीं है, उनको जीवन में न सुखम न परम अर्थात परम सुख परम शांति प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा भी कोई आधार नहीं देखा जाता। तो मन संबंध भी कहते हैं कि मन के स्वाभाविक स्थिति अर्थात मन के निरपेक्षता, उदासीनता भौतिक जगत के प्रति और उस मन को पर उपकार से लगाना, यही समाज का कल्याण और आत्म कल्याण मान जाता। जब किसी को मन आत्मा के हित अर्थात अपने के हित और अपन के हित के लिए सोचते हैं, वो हमेशा के लिए दयालु होते हैं। और जिस प्रकार इस व्यक्ति इस तरह मनोवृत्ति में रहते हैं, तो मनोसंबंध होते हैं, उसको पारमार्थिक कल्याण लाभ होते हैं। कारण उसको चिंतन प्रोग्रेसिव मूलक होते हैं, आध्यात्मिक मूलक होते हैं और उपकार मूलक होते हैं। तो ये सरलता इसके एक लक्ष्मण सिम्टम बने। गीता में और धर्म के लक्षण में भी एक सरलता बताया। धर्म के जो हम 10 लक्ष्मण देखते हैं, इसके अंदर है यहां पर तात्पर्य में कहे प्रभुपाद, ये निष्कपटता,
सर्वता नहीं एक रूप निष्कपटता, इसे रामानंद कहते हैं सरल मनोजा मोहि पावा, छल कपटता है मोहि न पावा। जिसको मन सरल है सादा सीधा है, तुलसीदास ने लिखे तो भगवान रामचंद्र कहते हैं वो मुझे प्राप्त करने वाला है। आज जिसको मन में छल कपट है अर्थात सरलता नहीं है वो मोह नहीं पाता, वो उसके लिए मुझे प्राप्त करने के लिए कोई आशा नहीं है। कारण छल कपट एक धर्म के आधार पर नहीं होते, इसलिए धर्म में जो दस लक्षण है दस लक्षण के एक कहा जाता आस्तेय। आस्तेय मतलब छल कपट विहीन व्यक्ति उसको धार्मिक माना जाएगा, अर्थात सीधा बात को तो सरलता धृति क्षमा दम आस्तेय अर्थात छल कपट विहीन। और यहां पर बताया जीवन की शुद्धि मनु संहिता में शास्त्र बताए सोचम आत्म विनिग्रह, सोचम मतलब शुद्धि पवित्रता। तो हमारा जीवन में पवित्रता तभी आएगा जब हम शास्त्र के आधार पर धर्म के आधार पर आएगा। शास्त्र मतलब धर्म और धर्म मतलब ही शास्त्र, अर्थात धर्म वही को ज्यादा जो शास्त्र विधान के अनुसरण करते, और जहां का शास्त्र विधान नहीं है उसके अधारण करते, उसके अंदर छल कपट पर सारी भौतिक जगत का चिंतन होते हैं। यहां पर कह गया आत्म विनिग्रह, मन संहिता में भी वही कहते सोचम आत्म विनिग्रह, अर्थात हमेशा के लिए संतुष्ट अर्थात भौतिक जगत के प्रति अनाशक्ति विराज करना, ज्यादा आसक्ति नहीं दिखाना अर्थात इंद्र संयम। भगवदगीता में कहा उदासीन, जो प्राप्त होते उसमें भी नहीं संतुष्ट होते और जो प्राप्त नहीं होते उसमें भी संतुष्ट होते। तो एक कहावत में कहते हैं जो सांसारिक जीव होते हैं वो हम सब कुछ देखते हुए भी सब कुछ प्राप्त होते हुए भी और नहीं प्राप्त होते भी हर समय के लिए हम रोते रोते हैं। आज जो संसार के व्यक्ति होते हैं वो कुछ मिले और नहीं मिले तो प्राप्त हुआ ना तो हंसते होते हैं। तो सांसारिक जीव हमेशा के लिए रोते रोते हैं, उनको बस सब कुछ है बारी है गाड़ी है धन है दौलत है प्रॉपर्टी भी रोते रोते हैं। आज जो महात्मा व्यक्ति होते हैं भगत व्यक्ति है संत व्यक्ति होते हैं तो हमेशा हंसते रहते हैं। अभी दोनों का पार्थक्य क्या है? लोग शास्त्र कहते हैं ये भगत आदमी होते हैं संत व्यक्ति होते हैं साधु सुलभ व्यक्ति होते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पास जो कुछ भौतिक संपद प्राप्त हुआ एक पहले हमारे पास नहीं था, अरे हमारा पास चल जाएगा फिर भी हमारा नहीं है इस दुखे को कारण ही नहीं। तो पहले भी वो संपद हमारा नहीं था हमारे पास जो जाएगा तब भी हमारा नहीं था, इसलिए हंसते होते भाई तुम्हारा संपद नहीं था तो चलो हमारे पास आया तो जितना दिन भगवान की कृपा से हमारे भोग कर लिया हमारे पास चल गया चल गया तो हंसते रहते। और संसारिक व्यक्ति सोचते है भाई ये शब्द हमारा पाया मतलब ये हमारा है वो हम इसे छोड़ना नहीं। और जब हमारे पास से वो शब्द चल जाता तो उसको कहा जाता हमारा इतना शब्द लॉस हो गया इतना घाटा बन गया इतना हो गया वो रोते रहते। और जितना है उसमें भी संतुष्ट नहीं है और भी रोते रोते, तो दोनों का स्वभाव यही है। तो भगवत लोग सोचते हैं कि हमारे पास आया अभी भगवान की कृपा है और हमारे पास से गया अभी भगवान की कृपा है,
इसे रोज हंसते रहते भाई भगवान नहीं चाह हमारे से छीन ले रहा अच्छा अच्छा हुआ मजा हुआ आनंद हुआ। आज सुबह में हम लोग रूपा गिरा में तो पढ़ रहा था और प्रभु जी हंस रहा रूपा झांसी में लीग ऑफ डिवोटी बनाई उसका बिजनेस डाउन से डाउन चल रहा था। उसको बेटा आया प्रभुपाद के पास और आके बोले तुम्हारा जो कर्मचारी था एक कर्मचारी सारी रुपया हड़प कर लिया और सारी मेडिसिन तसलस कर लिया सब कुछ कर लिया। प्रभुपाद हंसते रहे प्रभुपाद हंसते थोड़ा सा उनको पास दुख में नहीं है और हंसते हुए प्रभुपाद ने भागवतों का एक श्लोक उच्चारण किया। प्रभुपाद हंसते हंसते भागवतों का एक श्लोक का प्रकाश किया वो भगवान उपाच दशम अध्याय में है दशम अध्याय 44 चैप्टर में श्लोक नंबर 8 में वो भगवान बोलते जैश्य अहम अनुग्रामी हरिष्य तनम समय हम जिसको कृपा करते हैं हम उसको धन छीन लेते हैं। तैश्य अहम अधनम तेजंती अश्य आप उनके हम अधनम अर्थात गरीब बना देते अश्य उसके बाद स्वजन दुख दुखित और उनको आपकी स्वजन द्वारा उनको दुख दिया था। ये जो प्रभुपाद के यहां लिया लिखा है उनको पढ़ा तो प्रभुपाद का रिलेटिव प्रभुपाद को बोल रहे हैं आपका संसार कैसे चलेगा कौन नहीं सोच रहा आप धर्म धर्म पर मर रहा इसके तो ध्यान दो संसार कैसे चले। प्रभुपाद कह रहा है आपको तो पता ही नहीं पढ़ने वाला भी हो है रखने वाला भी हो है वो चाहे तो चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा। तो प्रभुपाद तो उनको बेटा लेने के लिए वापस चलो झांसी से वापस चलो लीगो प्रिंट चल दो अभी घर संसार देखो बिजनेस डाउन हो गया प्रभुपाद बोला हम नहीं देगा ये भगवान की इच्छा है भगवान नहीं चाहते कि हम वो बिजनेस ना है इसलिए प्रभुपाद की श्लोक तो बताए। तो जो भगवान के जानकारी है भगवान के इच्छा को जानकारी है वो हमेशा संतुष्ट रहते और जो भी उनको जीवन में घटते उसे थोड़ा सा भी विचलित नहीं। अभी हम महाराष्ट्र की तुकाराम के एक छोटा सा इतिहास में सुने शायद तुकाराम के है जो तुकाराम एक रोज भगवान विठल देव के वहां पर कीर्तन कर रहा था तुकाराम है ना और उनको घर में आग लग गया तो किसी ने आके तुकाराम के रिक्वेस्ट को बता रहा महात्मा जी तुम यहां बैठ के भजन कर रहा तुम्हारे घर सर जब तुमके क्षय हो गया चलो चलो जल्दी चलो तुम्हारे घर आग लग गया और तुकाराम हाँ सर वो कीर्तन में लग गया और लास्ट में लगा तो आप तो आदम व्यक्ति है आपका घर आग लग गया सारे सामान जल कर भस्म हो रहा फिर भी आप हाँ सर कीर्तन में लग रहा। तुकाराम इसको जवाब में उत्तर दिया अच्छा ही हुआ हमारा उसमें थोड़ा आसक्ति था भगवान ने खत्म कर दिया अभी हमारे लिए कोई चिंता ही नहीं अभी भगवान हमारे सारे आसक्ति खत्म कर दिया इसलिए महात्मा जो भगवत रथ है वो इसमें करते और हंसते होते कारण उसको मना निग्रह इंद्र संयम है उसको मालूम है कि भगवान जो कुछ करे वो अच्छा ही करे अगर भगवान सोचे हमारे कुछ दिया तो अभी हमारे मंगल के लिए दिया और हमारे से लिया तो भी हमारे मंगल के लिए और नारद मुनि भी यही कथा चित्रकेतु को समझाया ये राजा थे और उनको चाहिए था हमारा एक उत्तराधिकार उनको कोई संतान नहीं थे और पुत्र संतान के कारण चित्र को तो हमेशा ही दुखी हमेशा ही दुखी हमेशा ही नारद मुनि उनको पास आए और बोले राजन आप कुशल मंगल है क्या आप तो राजा है बोले कहां कुशल मंगल हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है बोले क्या कुछ नहीं आप तो राजा है आपके तो राजमहल वैभव सब कुछ है बोले हमारा ऐसी कमी है जिसके कारण हम दुखी है हमारे कोई पुत्र संतान नहीं है।
नारद देखिए भगवान अच्छा ही बोलते जा करते, अगर आपको कोई पुत्र सुंदर होते हो सकता और ज्यादा दुखी होते। तो नहीं कि दुखी हो जो भी हो एक बाप अपने होता नहीं नाम से खाना मांग बात दुखी फिर का हम सुनते हमारा पुत्र है बस आप लोग आप तो महात्मा है आपको शक्ति है बस हमारे किसी तरह से पुत्र पर पकड़ा दो। तो नारद मुनि कहे महात्मा जी के कहे राजन अगर आपको पुत्र संतान प्राप्त हो जाए लेकिन आप उसके कारण दुखी बन जाएगा, आनंद भी रहेगा लेकिन दुखी भी बन जाएगा, इसे प्राप्त ना करना सबसे बेस्ट है। बोले नहीं नहीं दुखी हो जो भी हो हमारा पुत्र संतान चाहिए। बोले ठीक है अगर आपको यही इच्छा है तो आपको पुत्र संतान मिल जाएगा लेकिन उस पुत्र संतान में आपका हर्षा भी होगा और दुख भी होगा। पुत्र संतान प्राप्त हुआ और जो ही पुत्र संतान प्राप्त हुआ और पुत्र संतान प्राप्त होने के बाद जब फिर उस पुत्र मर गया तो राजा ठीक अत्यंत दुखी हो गया। हाय हाय जब नहीं तो उम्र तो अच्छा था देने के फिर ले लिया फिर नारद मुनि ने क्या किया बोले क्या भाई राजन अभी क्यों दुखी है हम तो पहले बोला था। और राजन तो रोना शुरू कर दिया भगवान हमारे पुत्र किया तो अभी ले लिया तो क्या जरूरत था देने के लिए पहले तो बोला ये दुख का कारण है। तो फिर नारद मुनि ने उस पुत्र को फिर जीवनदान दिया पुत्र से मुझसे सुनो तो पुत्र ने कहे राजा के देखिए राजा महाराज ना मैं आपका पुत्र हूं ना आप मेरे पिता हूं हमारा कर्मों का फल अनुसार से हमें जन्म लेना पड़ता और उसी अनुसार मृत्यु ग्रहण करना पड़ता। जैसे गंगा पुत्र भीष्म एक गंगा जी के गर्भ से अष्टवसु जन्म लिया और जन्म होते ही उन लोग को एक के बाद एक के बाद डाल दिया उस कर्म के अनुसार से अभिशाप के अनुसार से लेकिन राजा दुखी होने लगा। लेकिन राजा को मालूम नहीं जन्म क्यों हो रहा मृत्यु क्यों हो रहा। अंत में गंगा माता में जब भीष्म का टाइम आए तब जब उसको रुका तो गंगा माता ने सारी हिस्ट्री बताई तुम्हारा तो दोष नहीं है उनका कर्म का फल से उनका जन्म लेना पड़ा अभिषेक के कारण और उसे उसे जाना। तो इसी प्रकार से इस श्लोक में कहते हैं जिसको मन के सरल होता है और भौतिक कामना वासना से मुक्त है और आत्मसंतन है मौन रहते होता भगवान चिंता में रहते हैं हम हर चीज में संतुष्ट रहते हैं उस व्यक्ति संसार में किसी स्थान में रहे उसको कोई दुख का कारण नहीं बनता। कुछ मालूम है ये संसार जो कुछ हो रहा ये होने वाला ही है और जो कुछ घट रहा वो घटने वाला ही है तो हम प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकते और कुछ बना भी नहीं सकते उसके लिए कोई नहीं रास्ता कारण समय अनुसार से आएगा समय अनुसार से जाएगा। जिस प्रकार हमारे पास ऋतु है समर है विंटर है हर ऋतु है तो हर ऋतु उनके समय अनुसार से आएगा ही जाएगा इसे हमारे कोई विचलित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हमारा इस प्रकार का मन का संयम होते हैं मन का नियंत्रण होते हैं तब हम भक्ति जगत के किसी वस्तु के ऊपर सोचता नहीं भगवान हमारे में जितना सेंशन किया हम उसमें संतुष्ट है उसके अतिरिक्त नहीं है। तो इस प्रकार से मन संयम को अगर आत्मविनिग्रह इसके हमारे मानसिक तपस्या करते हैं आज जिस व्यक्ति के इस मानसिक तपस्या है अर्थात ये सारी गुण है जो इसमें कहते हैं संतोष सरलता गंभीरता आत्मसंग्रह और शुद्ध पवित्रता उस व्यक्ति के मानसिक तपस्या परिपूर्ण है और उस भौतिक जगत के हर प्रकार परिस्थिति वो एडजस्ट करके सुख और शांति से परमधाम प्राप्त कर सकते। इसलिए तात्पर्य कृपा जहां पर स्पष्ट कर दिया
जिस व्यक्ति ने मन निग्रह का अर्थ होता है इंद्र संयोग अर्थात भौतिक जगत से पृथक होते इंद्र भव से संपूर्ण अलग होते हैं, प्रकृत पक्ष वही निष्कपट होते हैं और वही अपने जीवन को शुद्ध बनाता है और वही मन के शुद्धता करके अंतत होता अपन धाम वापस चले जाते हैं। यही हमारा मन तपस्या का फला जब जिसको मन में नहीं होते हैं भौतिक जगत में अत्यधिक इच्छा और कामना से परिपूर्ण होते हैं तो हमारे लिए ना सुख और शांति ना हमारा इस जगत से उद्धार प्राप्त होने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस श्लोक का तात्पर्य जो ही है कि हमारा हर व्यक्ति को जिन लोगों शास्त्र ज्ञान होते हैं उन लोगों को भी होना ही चाहिए और जिन लोग कम है शास्त्र ज्ञान नहीं है उन लोगों को प्रयास करना चाहिए जो हमारे शास्त्र ज्ञान लाभ करे और हमारा मानसिक शुद्धता मानसिक सरलता मानसिक गंभीरता और संतुष्टता प्रकाश करे अपना जीवन में सफल करे। हरे कृष्ण जय श्री राम।